दोस्तों, फुर्सत में जब भी मैं फेसबुक खोलता हूं तो लिबरल्स वर्सेस भक्त्स, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, राहुल वर्सेस मोदी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कंगना वर्सेस तापसी, कंगना वर्सेस शिवसेना, अर्नब वर्सेस राजदीप, सुशांत सिंह राजपूत वर्सेस बॉलीवुड कार्टेल, रिया चक्रवर्ती वर्सेस एनसीबी, रिपब्लिक वर्सेस शिवसेना, फलाना ढिमकाने जैसे इश्यूज में लोग लगे हुए हैं आपस में। ये सब देख के आजकल फेसबुक खोल के मेरा ये हाल हो गया है कि अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार ने इन टॉपिक्स पे कुछ पोस्ट भी नहीं किया हो तो मन करता है कि उससे कहूं, अबे चुप हो जा यार। मैं पूछता हूं, क्या हम फेसबुक की असली मकसद पर वापस जा सकते हैं? मतलब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम टाइप करना ये देखने के लिए कि वो कितनी मोटी हो गई है। जो बंदे फेसबुक पे पहले हार्ट ब्रेक के बाद शायर बने फिरते थे, वो आजकल अपनी एफबी वॉल पे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में लिख रहे हैं। और जो अंकल्स पहले सुबह 7 बजे व्हाट्सएप पे हैप्पी मंडे और 4 येलो रंग के फूल के फोटोज भेजा करते थे, वो आज के दिन सुबह सुबह अर्नब और नाविका के न्यूज क्लिप्स फॉरवर्ड करते हैं। मैं पूछता हूं, क्यों क्यों ये जरूरी है कि इंडिया में हर सोशल मीडिया यूज करने वाले को मजबूरन अपनी स्टांस दिखाना पड़ रहा है? क्यों सबको एक साइड चूज करनी है? चलते हैं ना वापस उस फेसबुक के जहां सारे बेबी गोरिल्ला को पिज्जा खाते हुए वीडियोस शेयर करते थे, जहां मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं कॉफी बनाने की वीडियो बनाऊं या इंग्लिश ग्रामर के ट्यूटोरियल वीडियो बताऊं सही उच्चारण करने के, या फिर मसूरी के व्लॉग्स अपलोड करूं या आईपीएल के मैच रिव्यू, तो उसमें 2-5 कमेंट्स आते हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे चुप क्यों हैं? आपने नेपोटिज्म पे वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्यों आपने कंगना के दफ्तर के डेमोलिशन पे बात नहीं की? भाई, क्यों हम हर वक्त डार्क और ग्रिजली सब्जेक्ट्स में झांके? क्यों क्यों हमें हर वक्त नेगेटिव चीजों पे ध्यान करना पड़ेगा? क्यों बात करनी है ऐसी इश्यूज पे? क्या यह जरूरी है कि हमें हर वक्त गुस्सा दिलाने वाले सब्जेक्ट्स पे बात करनी है? क्यों इतने लोगों के अंदर आग लगी है भाई? क्या हम पॉजिटिव और एंटरटेनिंग चीज पे बात नहीं कर सकते? छोटी सी जिंदगी है, थोड़ी लाइट ले लो और एंजॉय करो यारो। अच्छा अच्छा सॉरी भाई, इतनी भी लाइक नहीं लेंगे, ठीक है? शांत शांत, चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल के दिखाओ। बोलती बंद क्यों? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के? गए क्या? दोस्तों, आजकल इंसान दूसरे इंसान से डिस्कशन नहीं करता, चिल्लाता है, जलील करके ट्वीट करता है, इंस्टाग्राम पे गाली देता है, फेसबुक पे बहस करता है। सच में हमारा देश जितना वक्त सोशल मीडिया पे वेस्ट करता है हर दिन आपस झगड़ने में और अपने व्यूज इजहार करने में, हर विषय पे, नेपोटिज्म से लेके राफेल और तक और इकोनॉमी से लेके साइंस तक, इतना अगर राम गोपाल वर्मा एक ढंग की स्क्रिप्ट पे ध्यान देते तो शायद आज भी थोड़े रेलेवेंट होते। और ये सोशल मीडिया पे किसी से भी पूछना, सॉरी डिमांड करना, कि वो सुशांत मुद्दे या नेपोटिज्म मुद्दे या कंगना मुद्दे पे या बॉयकॉट चाइना मुद्दे पे या पाकिस्तान मुद्दे पे क्या सोचते हैं, इससे क्या मिलता है? कहां गए वो दिन जब हम एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट होके पूछते थे कि यार ये दिनेश मोंगिया को इतने चांसेस क्यों मिलते हैं टीम इंडिया में, या फिर अरे भैंस की आंख, ये पॉल एडम्स इतनी बार मेरे बिग फन बबल गम क्रिकेट कार्ड्स में क्यों आता है यार? सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे सभी जज, जूरर और एक्सिक्यूशनर बने बैठे। सवाल हम ही करेंगे, सच्चाई हम ही निकालेंगे और सजा हम ही सुनाएंगे। और जो कोई मां का लाल हमारे रास्ते में आए ना, हम उससे उसकी राय पूछेंगे, क्योंकि देश जानना चाहता है कि आप किस तरफ खड़े हो। किसी से सवाल कर रहे हो तो सामने वाले की फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज तो देख लो, उनकी इंटरेस्ट क्या है ये तो देख लो। हर किसी से मत डिमांड करो कि वो SSR या रिया या बॉयकॉट चाइना पे अपनी टिप्पणी दें। ये तो वही बात हो गई कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की पेजेंट्स के कंटेस्टेंट से पूछना कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन पे उनकी क्या राय है।
भाई साहब ये फैशन मॉडल्स की फील्ड नहीं है, ये तो ऐसा हो गया कि स्टीवन हॉकिंग से पूछना कि उनका नेल पॉलिश रिमूवर पे यकीन है कि नहीं। खैर ये सब एक तरफ है, सबसे खतरनाक बात है कि आज हमारा देश दो पक्ष में बट चुका है और इस बीच कोई भी इंसान न्यूट्रल नहीं रह सकता। हाल ये हो गया है कि न्यूट्रल रहना, अपने विचार अपने पास रखना सिडिशन चार्ज को बुलाना जैसे हो गया। और ये जो एंटी नेशनल टैग लोग बड़े आसानी से एक दूसरे पे लगा देते हैं ना, ये क्यों आधार कार्ड और पासपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? कौन कहता है कि अगर किसी के व्यूज सरकार या एस्टेब्लिशमेंट या सोशल मीडिया ट्रेंड्स के खिलाफ हो तो वो इंसान एंटी नेशनल है? हमारे देश में इतने लोग अपने एटीएम पिन से ज्यादा दूसरों की सोशल मीडिया पोस्ट याद रखते हैं और इस पे अक्यूज करते हैं एक दूसरे को एंटी नेशनल होने का कि यार तू तो पलट गया, तूने अप्रैल 3 को स्वरा भास्कर की ट्वीट को क्यों रीट्वीट किया था, 2 महीने पहले देखा था मैंने तेरा फेसबुक वॉल पे कि तूने द वायर का आर्टिकल शेयर किया, क्यों किया तूने ऐसे साले? ये वो लोग हैं जिन्हें बिग बिलियन सेल के टाइम पे अपनी जूती की साइज याद नहीं आता, मगर ये याद है कि 5 महीने पहले सेठी अंकल के लड़के टिमी ने ट्वीट किया था कि बर्तन थाली पीटना मजाक है COVID-19 के टाइम पे और वो पक्का एंटी नेशनल है। थोड़ा चिल करो यारों। हाल ही में खबर आई है कि MS धोनी के 5-6 साल की बेटी पर रेप थ्रेट्स आए सोशल मीडिया पर जब धोनी की IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स एक मैच हारी। क्या हो रहा है इस देश में यारों? हमने सुना और देखा है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी जब भी कोई बड़ी मैच हारे हैं तो एक आध बार उनके घरों के बाहर नारे लगते हैं, किसी ने दीवार पर ब्लैक पेंट लगाया, 2-3 बेवकूफों ने शीशे पे पत्थर मारा हो, मगर एक खिलाड़ी जिसने इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिताए उनकी छोटी बेटी को रेप थ्रेट्स देना, कहाँ आ गए हम दोस्तों और कहाँ जा रहे हैं? ये सबसे घटिया इस्तेमाल है सोशल मीडिया का यहाँ इंडिया में और सबसे खतरनाक। दोस्तों इंस्टेड ऑफ शोइंग नेगेटिविटी टुवर्ड्स समवन, डू सम वर्क दैट विल मेक आवर कंट्री बेटर। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आपको नेगेटिव ट्वीट करने का मन हो रहा है, फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे किसी को गाली देने का मूड हो या किसी और के ख्याल या व्यूज पे कॉमेंट करने की सोच रहे हो, तो रोको अपने आप, बंद करो वो विंडो या मैसेज और सोचो कि मैं कुछ अच्छा काम करूं। और इसी के साथ मैं बोलता हूं कि इतना सब नेगेटिविटी और गंद फैलाने से अच्छा होगा कि आप अपने आप से बात करें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। इतना गुस्सा मत हो जाओ, डोंट गेट एंग्री। जो भी आपका काम है, डेली रूटीन है, वो आप सब सही तरीके से करिए, अपने परिवार और कम्युनिटी और आसपास के लोग के ख्याल रखो। मैं ये नहीं कहता कि आप इतने भी टॉलरेंट हो जाओ कि इनटॉलरेंस को टॉलरेट करना शुरू करो, पर झगड़ो मत यार, एक दूसरे को गाली गलौज मत दो। चलिए दोस्तों मंजिलें और भी हैं, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर नहीं किया हो अब तक तो जरूर इस नाचीज के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलता हूं, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।